में भी हम एलएचएस से आरएचएस की तरफ अप्रोच करेंगे। एलएचएस का टर्म हमारा लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ सेके माइनस वन अपॉन सेके प्लस वन प्लस अंडर रूट ऑफ सेके प्लस वन अपॉन अंडर रूट सेके माइनस वन। सो अंडर रूट ऑफ सेक ए माइनस वन अपॉन सेक ए प्लस वन इंटू क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सेक ए माइनस वन अपॉन सेक ए माइनस वन प्लस अंडर रूट सेक ए प्लस वन अपॉन सेक ए माइनस वन इंटू सेक ए प्लस वन अपॉन सेक ए माइनस वन। सो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ सेक ए माइनस वन इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर ए माइनस वन प्लस अंडर रूट ऑफ सेक ए प्लस वन इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस वन। सो देखिए अब सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है वन प्लस टेन स्क्वायर ए। सो सेक स्क्वायर ए माइनस वन हमारा हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। सो देखिए अब ये हमारा, चलिए कोई बात नहीं, एक स्टेप पे बात कर लेंगे। सो ये हमारा सेक ए माइनस वन इस पूरे का होल स्क्वायर अंडर रूट में, और ये हो गया हमारा टेन स्क्वायर ए प्लस अंडर रूट ऑफ सेक ए प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, इसको भी लिख सकते हैं हम टेन स्क्वायर ए। अब ये हमारा पूरा का पूरा जो टर्म है वो हमारा अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सेक ए प्लस वन अपॉन टेन ए प्लस हो जाएगा, सॉरी पहले वाले में माइनस रहेगा, प्लस हो जाएगा सेक ए प्लस वन अपॉन टेन ए। वन अपॉन टेन ए को हम कॉमन ले लेंगे, सो सेक ए माइनस वन प्लस सेक ए प्लस वन। सो माइनस वन प्लस वन कट जाएगा और ये हमारा हो जाएगा कॉट ए इंटू वन अपॉन टेन ए को हम कॉट ए लिख सकते हैं, कॉट ए इंटू टू सेक ए। सो ये हमारा हो जाएगा कॉट ए को हम लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू, इसे लिख सकते हैं टू इंटू वन अपॉन कॉस ए। सो कॉस ए से हमारा कॉस ए हमारा कट जाएगा, सो टू अपॉन साइन ए आ जाएगा जो कि हमारा हो जाएगा टू कॉसेक ए, और ये हमारा आरएचएस के बराबर है, यही हमको प्रूफ करना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एलएचएस से आरएचएस की ही तरफ अप्रोच करेंगे। एलएचएस का टर्म हमारा लिखा हुआ है, सो देखिए ये है हमारा कॉस ए इंटू कॉट ए को हम लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए डिवाइड बाय वन माइनस साइन ए। सो ये हमारा हो जा रहा है कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए डिवाइड बाय वन माइनस साइन ए। सो कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू वन माइनस साइन ए को, ये डिवाइड में लिखा है वन माइनस साइन ए, तो हम इसे कर सकते हैं वन अपॉन वन माइनस साइन ए। जब डिवाइड से हम मल्टीप्लाई का साइन चेंज करते हैं तो हमारी जो वैल्यू होती है वो रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाती है। सो वन माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं वन प्लस साइन ए इंटू वन माइनस साइन ए अपॉन साइन ए इंटू वन अपॉन वन माइनस साइन ए। वन माइनस साइन ए से वन माइनस साइन ए हमारा कट जाएगा, तो वन प्लस साइन ए अपॉन
साइन ए। सो हो गया ये 1 अपॉन साइन ए प्लस 1 हमारा हो गया और ये हो गया कॉसेक ए प्लस 1, 1 प्लस कॉसेक ए, ये हमारा आ जा रहा है जो कि हमारा आरएचएस के बराबर है, यही हमको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ।